अब विक्की कौशल इस स्वतंत्रता सेनानी का किरदार निभाएंगे। URI दी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म से अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल फिर से एक बार दमदार किरदार में नजर आने वाले हैं। जल्द ही बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सुजीत सरकार उधम सिंह की बायोपिक फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म में विक्की कौशल मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये एक वीर शहीद की कहानी है जिसने 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए स्वतंत्र भारत में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। शहीद उधम सिंह को 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या के आरोप में पेंटनविले जेल में फांसी दी गई थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में सरदार उधम सिंह का नाम पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। उधम सिंह का असली नाम शेर सिंह था और ऐसा कहा जाता है कि साल 1933 में उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए उधम सिंह नाम अपनाया था। विक्की कौशल को उधम सिंह के किरदार में कास्ट करने पर सुजीत ने कहा, मैं बहुत लंबे समय से शहीद उधम सिंह की वीरता की कहानी बताने का इंतजार कर रहा था। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके लिए मुझे एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो फिल्म के लिए अपना दिल और आत्मा दे, मेरे साथ रहे और कहानी को अच्छे से समझे। विक्की इस कहानी के रियल हीरो में फिट बैठते हैं। मैंने उनके काम और समर्पण को देखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि विक्की इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.